अस्पताल में भर्ती ये लोग मथुरा बांके बिहारी के दर्शन करने आए थे, लेकिन कासगंज रेलवे स्टेशन के बाहर खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि सभी श्रद्धालुओं ने रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में खाना खाया था और खाने में उन्हें मरी हुई छिपकली मिली थी, जिसके बाद सभी को उल्टियां शुरू हो गईं। खाना लेने गए थे बाहर से, तो खाना खा रहे थे, उसमें छिपकली निकली थी। खाना खा लिया तो उसके बाद पलटी होने लगी। कितने लोगों की तबीयत खराब हुई? 8-9 जने होंगे। जब खाने में छिपकली निकलने की शिकायत होटल मालिक से की गई, तो वो श्रद्धालुओं से झगड़ने लगा। सूचना मिलने के बाद मौके पर SOGRP पहुंचे और उन्होंने बीमार सभी श्रद्धालुओं को अस्पताल पहुंचाया। फूड पॉइजनिंग की खबर से यहां हड़कंप मच गया। ADM, SDM, CMO अस्पताल पहुंचे और फिर बीमार श्रद्धालुओं से बातचीत की गई, उनका हालचाल जाना गया। ये लोग, इनका ऐसा बताना है कि खाने में ये निकली है, अब हम लोग उसकी सैंपलिंग करवा रहे हैं और बाकी इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। ये मरीज जो है कहीं तीर्थ यात्रा वगैरह के वाले पेशेंट हैं, तो रेलवे स्टेशन से उतर के बाहर किसी अपना ठेले वाले की दुकान पर जाके इन्होंने वहाँ पर जो छोले वगैरह वाला सब्जी और पूरी खाई है किसी दुकान पर, और वहाँ उस खाने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही इन्होंने किसी को एक आदमी के उसमें दोने वगैरह में खाते समय छिपकली निकली आई, मरी हुई छिपकली थी, तो उसको देख के इनका जी घबराने लगा। ज़्यादातर को उल्टियाँ हो गई हैं, वैसे ही दस्त वगैरह किसी को कुछ नहीं है फिलहाल, अभी तक तो ऐसा कुछ कोई क्रिटिकल केस नहीं लगा। बहरहाल घटना के बाद से होटल मालिक फरार चल रहा है, लेकिन सवाल ये कि खाद्य आपूर्ति विभाग रेलवे स्टेशन के बाहर होटलों में खाने की सैंपलिंग क्यों नहीं करता? R9 TV के लिए कासगंज से सोनू दुबे की रिपोर्ट।